तो एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल डॉक्टर मणि में। दोस्तों आज हम आपको फ्लेक्सेड डी टेबलेट के बारे में बताने जा रहे हैं कि इस फ्लेक्सेड डी टेबलेट का प्रयोग हमें कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कौन सी बीमारी में प्रयोग करना चाहिए और इस टेबलेट को लेने का सही तरीका क्या है, क्या इस टेबलेट का कोई नुकसान है कि नहीं है और यह किस कंपनी द्वारा बनाया गया, इसका प्राइस क्या है। तो दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बेल आइकन वाला बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर करते रहें ताकि आपके बीच में और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। दोस्तों इस फ्लेक्सेड डी टेबलेट का प्रयोग ऑस्टियोआर्थराइटिस में किया जाता है, जिन लोगों के गठिया में बहुत ज्यादा दर्द रहता है या उसमें दर्द की वजह से उसमें सूजन आ जाता है या आपके मांसपेशियों में ऐंठन बना रहता है या आपका किसी भी शरीर का कोई भी अगर ज्वाइंट उसमें ज्यादा दर्द बना है या सूजन बना है तो उसे यह सही कर सकता है। दोस्तों यह आपके जोड़ों के घर्षण को भी यह कम करता है। तो जो लोग अपनी गठिया को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं, उसमें हमेशा उनके गठिया में दर्द बना रहता है, बहुत सारी दवाओं का प्रयोग कर ली है फिर भी उनके गठिया का दर्द जो है, जोड़ों का दर्द और सूजन जड़ से खत्म नहीं होता, तो वह लोग इस फ्लेक्सेड डी टेबलेट का प्रयोग करके अपनी गठिया संबंधी कोई भी समस्या को सही कर सकते हैं। दोस्तों चलिए जानते हैं कि इस फ्लेक्सेड डी टेबलेट का प्रयोग हमें करना कैसे है। दोस्तों इस फ्लेक्सेड डी टेबलेट का प्रयोग आप खाना खाने के बाद एक टेबलेट सुबह, एक टेबलेट शाम, आप नॉर्मल पानी के साथ इसे आप आसानी से ले सकते हैं। दोस्तों चलिए जानते हैं कि इस फ्लेक्सेड डी टेबलेट में कौन कौन सा इंग्रेडिएंट मिलाया गया है जो जोड़ों के दर्द और उसमें बने सूजन को यह बहुत जल्दी खत्म कर देता है। दोस्तों इस फ्लेक्सेड डी टेबलेट में ग्लूकोसामाइन, डायसेरीन, मिथाइल सल्फोनिल मिथेन, यह तीन तरह का इंग्रेडिएंट मिला करके यह फ्लेक्सेड डी टेबलेट तैयार किया गया है जो आपके गठिया के दर्द को बहुत जल्दी राहत देता है। दोस्तों चले जानते हैं कि इस टेबलेट का क्या कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं है। दोस्तों ऐसे तो फ्लेक्सेड डी टेबलेट का कोई नॉर्मली कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, अगर इस टेबलेट को लेने के बाद आपके शरीर में कोई भी बदलाव चेंजिंग नजर आ रहा है तो उतने समय इस दवा को बंद कर दें। जैसे अगर आपको मतली आ रहा है, पलटी आ रहा है, डायरिया हो रहा है, कब्ज पड़ रहा है या आपके शरीर में लाल दाने निकल रहे हैं, चकत्ते निकल रहे हैं या पेट दर्द कर रहा है तो उतने समय इस दवा को बंद करके नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट कर ले और सलाह ले ले। दोस्तों चले जानते हैं कि इस टेबलेट का प्रयोग किसे नहीं करना चाहिए। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वह इस टेबलेट का प्रयोग ना करें और जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, बच्चे को दूध पिला रही हैं, वह भी इतने समय इस टेबलेट का प्रयोग ना करें, या जो लोग शराब का सेवन कर रहे हैं या कोई भी नशीला पदार्थ का प्रयोग कर रहे हैं तो उतने समय इस दवा का प्रयोग ना करें, नहीं तो यह उनके लिए हानिकारक हो सकता है। दोस्तों चले जानते हैं यह फ्लेक्सेड डी टेबलेट जो है किस कंपनी द्वारा बनाया गया, इसका प्राइस क्या है, एक स्ट्रिंग में कितना टेबलेट आता है। दोस्तों यह फ्लेक्सेड डी टेबलेट जो है रेनबैक्सिल लेबोरेटरी पीवीटी टीम के द्वारा किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर पर 230 रुपए का 10 टेबलेट, इसे लेकर के आप अपने गठिया के दर्द और सूजन को या शरीर में किसी भी ज्वाइंट में बहुत ज्यादा दर्द बना है या आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, समस्या हो गई है तो उतने समय इस टेबलेट का लेकर के आप अपनी सभी समस्याओं को सही कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो डॉक्टर मणि चैनल को फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपके बीच में और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। देर ना करते वीडियो को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।